हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन से दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों नंबर यानी कि दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो जाते हैं तो दोस्तों आप उसे वापस से रिकवर कैसे करोगे या फिर दोस्तों अपने फोन के अंदर उसे वापस कैसे ले आओगे, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट एंड तक बिना स्किप के देखना। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ जाए तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी के बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। दोस्तों हो सकता है कोई भी रीजन हो, अगर आपका नंबर डिलीट हो जाए, चाहे गलती से डिलीट हो जाए, चाहे किसी ने जानबूझ के डिलीट कर दिया, दोस्तों हर एक परिस्थिति में आप अपने मोबाइल नंबर को रिकवर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से जानते हैं, सीखते हैं कि कैसे अपने मोबाइल से डिलीट किए गए नंबर को रिकवर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दोस्तों आपने जिंदगी में कभी न कभी दोस्तों आपने उस नंबर से या उस मोबाइल के अंदर जिस मोबाइल नंबर से दोस्तों यानी कि जिस मोबाइल फोन से आपका नंबर डिलीट हुआ है उस नंबर पे दोस्तों या फिर उस मोबाइल पे आपने कभी न कभी फेसबुक चलाया होगा, फेसबुक मैसेंजर जरूर ही चलाया होगा, क्योंकि दोस्तों 100% लोग अपने नंबर पे दोस्तों यानी कि अपने मोबाइल पे फेसबुक चलाते हैं। तो दोस्तों ये जो जितने भी आपके मोबाइल से डिलीट नंबर हुए हैं मैं उसको आप लोगों को फेसबुक से आपको वापस ला के दिखाऊंगा। दोस्तों होता क्या है कि जितने भी हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों नंबर सेव वगैरह करते हैं दोस्तों वो क्या करता है कि फेसबुक यानी कि दोस्तों जब हम फेसबुक अपने मोबाइल फ़ोन में ऑन करते हैं तो हमसे कुछ परमिशंस मांगता है, कॉन्टेक्ट का जो परमिशन होता है अलाउ करवाता है, यानी कि दोस्तों हमारे जो नंबर है गूगल के सर्वर पे अपलोड हो जाते हैं। अगर हमारे फ़ोन के कॉन्टेक्ट से नंबर डिलीट हो जाए तो भी दोस्तों वहाँ पे फेसबुक के सर्वर पे हमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कहाँ पे है ये। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन में मैसेंजर को ओपन किया हूँ। दोस्तों आप फेसबुक से भी निकाल सकते हो बट दोस्तों उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरह से अपना मैसेंजर यानी कि फेसबुक मैसेंजर ओपन किया हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा लोगो दिख रहा है जो प्रोफाइल का, यहाँ पे मैं सिंपली दोस्तों टैप करूंगा। जैसे ही दोस्तों टैप करूंगा आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों, और आपको यहाँ पे फोन कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद से दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे अपलोड कॉन्टेक्ट्स ऑन है, पहले से ही ये यानी कि डिफॉल्ट ऑन रहता है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यानी कि जब भी अगर आप अपने मोबाइल पे कोई नंबर फिट करते हो या सेव करते हो तो दोस्तों वहाँ पे सेव तो होता ही है बट दोस्तों फेसबुक के सर्वर पे भी सेव हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैनेज कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, और दोस्तों जैसे ही मैनेज कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों ओपन हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्ट है और इसके बाद डिलीट ऑल कॉन्टेक्ट है। दोस्तों डिलीट ऑल कॉन्टेक्ट पे कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। वहाँ से तो कॉन्टेक्ट से तो डिलीट हो ही गया है, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए इस पर क्लिक मत करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ से नंबर यानी कि सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि आधे अधूरे नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप टैप करोगे, जैसे ही दोस्तों टैप करोगे इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके नंबर ओपन हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इतने सारे नंबर हैं आपके यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर के अंदर, तो दोस्तों दिक्कत इसके अंदर यही है कि दोस्तों आपको एक एक नंबर लिखनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पे एक एक नंबर लिखने पड़ेंगे ढूंढ के। यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोस्तों सारे के सारे एक ही बार में नंबर को सेव कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सब पे यहाँ पे ऐसे मैनेज कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे, और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही अगर आपका नंबर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आपको टैप करना है। टैप करके आपका नंबर ओपन हो जाता है। इसके बाद से आपको यहाँ पे अपने किसी बुक में लिख लेना है, जैसे बुक में लिख लोगे या तो किसी डायरेक्ट फोन में लिख के सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल से डिलीट किए हुए दोस्तों अपने नंबर को रिकवर कर पाओगे या दोस्तों आप ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी के बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।